पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कोई पूछने वाला हो कि श्री कृष्ण जी युद्ध के समय भयंकर समय में चारों तरफ सेना खड़ी है, हैं एक मिनट में विनाश होने वाला है और वहां तो योग युक्त तो हो गए, योग युक्त माने समाधिस्थ हो जाना, परमात्मा से कनेक्शन करके कहता है। फिर बोला मैंने अब तो शांत समय था, बिल्कुल पीसफुल टाइम था, अब तो वो योग युक्त तो हो नहीं पा रहे और युद्ध में योग युक्त हो गए। जब ज्ञान बोला, कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी ने कह कह का नहीं पता था। जैसे यहां किसी में कोई प्रेत प्रवेश कर जाता है, यहां सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में आए हैं और वो बोलते हैं पता नहीं मैं ऐसे हूं, मैं वहां था, मैं ऐसा था, है वहां रहता था। और जब वो उस प्रेत निकल जाता उस आत्मा से, उस शरीर से, उस ओरिजिनल आत्मा को पता भी नहीं होता मैंने के बोला था। और ही बताते हैं कि ऐसे बोला था तूने, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो उनमें से दो चार बात याद रख लेता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन उस समय उसको कुछ याद नहीं था। ऐसी दशा श्री कृष्ण जी की थी। इस श्री कृष्ण जी ने उसी समय ये काल प्रवेश कर गया, जैसे पुरकुत्स में प्रवेश हुआ और जैसे पुरंजय में प्रवेश हुआ प्रेतवत, और पूरा करवा के महाभारत में विनाश श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया। अब श्री कृष्ण कह रहे थे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, काल ने रथ का पहिया भी घुमा दिया उठाकर और मार डाला दुनिया को। तो पुणात्माओं, ये सभी काल की जो है ना ये लीला थी, काल ने ही, ब्रह्म ने ही बोला। ये ब्रह्म कौन थे काल को, गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है कि मैं काल हूं और सब का नाश करने को आया हूं। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमावृति माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इसका सिमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमावृति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाला जो स्थान स्थिति समय लाभ है उसको प्राप्त होता है। ओम मंत्र के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। और गीता जी ध्यान बराठ के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति में है, सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनका भी जन्म और मृत्यु बना रहता है, पुनः अक्षीण होने पर वो भी पुनः लौट कर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता 15 में जाके 1 से लेकर 4 में के
तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत उस परम पद की खोज करनी चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, यानी सबका सृजनहार है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं उसी की शरण में हूं, किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको एक झलक दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी को तो कह कह का भी नहीं पता, गीता में बोल्या के था। देखिएगा संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक भी, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर। पहले आप जी को ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। 545 ये संक्षिप्त महाभारत 544 पृष्ठ से हम लेते हैं। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानतावश ये समझते हो कि मैं अकेला हूं और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी और अंधक वंशीय यादव भी यहीं पर हैं, गणाना पड़ते हैं इतना। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अटास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली की कांति के अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में से ब्रह्मा, वक्ष में रुद्र, भुजाओं से लोकपाल, मुख में अग्निदेव आदि इत्यादि आदि असंख्य वाले। श्री कृष्ण जी के भयंकर रूप को देखकर जब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए, केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, ये याद रखना कि महाभारत के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक विराट रूप काल रूप है, इसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, और ये मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन, मेरे इस रूप का दर्शन न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से, यानी कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम के श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे गीता जी का ज्ञान, ये काल बोल रहा था। यदि ये ऐसा कहते कि तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने ये मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि तो इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं, ये काल बोल रहा था, नहीं तो श्री कृष्ण जी ये वचन नहीं कहते, क्योंकि वो कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे। अब दिखाते हैं कि महाभारत में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं गीता जी में के बोला था। अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अरे भले आदमियों, ये दास वक्ता है, आप श्रोता हो, आप 2 घंटे के सत्संग में से मुश्किल से 40% याद रख पाओगे, और फिर कभी आप प्रश्न करो कि आपने उस दिन सत्संग सुना था, इस विषय में कृपा फिर सुनाइए, और मैं ये कहूं कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, अब मुझे कुछ याद रहे, ये कोई बात बनी? इसे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था, कोई अन्य शक्ति बोल रही थी,
इसी प्रकार ये सिद्ध हो जाता है श्री कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। अब देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, इसके 667 पृष्ठ प्रकाशित है, 667 पृष्ठ वह तथा संशोधक जयदाल गोविंद का गीता प्रेस गुरु ये देखिए प्रश्न नंबर 667 पर श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जनमेजय ने पूछा ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैश्वपायन जी ने कहा राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र सब इच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा देवकी नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माहात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैश्वपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। पहले तो गले से लगाने का केतुक था और फिर डांट मारे, यानी आदमी जो बिचल जाता है ना उसको पता है इतना कुछ नहीं पता तब वो इस तरह की एक्टिंग क्रिया करे। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने तो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। अब क्या कहते हैं उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन निश्चित तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश का ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। ईब के स्विच ऑफ हो गया ईब हो जा योग युक्त, ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तेरी पता न्यो मूर्ख बना रहे हैं। अब कितना रहस्य परमात्मा ने इनसे लिखवा रखा है पहले ही और ये अज्ञानी समझ नहीं सके कबीर भगवान को नुका करते तो नाड़ी है झूठा है। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया था कबीर परमेश्वर से परमात्मा के जो साक्षात दर्शन कर लिए थे सतलोक में तब कहा था भगवान ये सब श्री वेद कतेब और पुराण सारे विष्णु जी को भगवान बताते क्योंकि वो विष्णु जी का उपासक था और विष्णु उपासक उन्होंने गुरु बना रखा था धर्मदास जी ने। तो परमात्मा इसका मतलब तो ये हो गया कि वेद और पुराण सारे झूठे हैं। परमात्मा बोले नहीं ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई झूठे हैं तो समझे नहीं। इन वेदों और कतेबों में बिल्कुल सही लिखा है लेकिन ये समझ नहीं सके ये दंत कथा सुना रहे तुम्हारे को। आज सुबह से ये प्रसंग चल रहा था उसी की रूपरेखा बन रही है कि पूर्ण परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को इन नकलियों ने हमारे तक नहीं आने दिया और जहां तक पाप नाश करने का ये कहते हैं श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी सर्व पाप नाश कर देते हैं उदाहरण देते हैं
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 का, कि श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, मैं सर्वे पापे भ मोक्षामी मां कुचो, ये मारे सट्टे। इनको ये नहीं पता श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे, ये तो ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन प्रभु है, एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये काल जिसे कहते हैं, और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। दूसरा जो है अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक त्रिनम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, उत्तम पुरुष यानी वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। किससे? सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिनका वर्णन है सरपुरुष और अक्षर पुरुष का, वो तो इनसे अलग है और वो वास्तव में अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी काल के 21 ब्रह्मांड रूपी ये भी एक लोक कहलाता है, काल का लोक, और 7 संख ब्रह्मांड है वो अक्षर पुरुष का एक देश कहलाता है, लोक कहलाता है, और सतपुरुष का अपना जो अपना स्थान ओवरऑल ब्रह्मांडों का कुल मिला कहते, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यानी सबको वही परमात्मा ही सबका धारण पोषण करता है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है यानी जड़े हैं, जड़ से ही सबको आहार जाता है। तो गीता ज्ञान दाता सुबह भी बताया था 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, क्योंकि अपने विषय में 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तू मैं और ये सब सैनिक पहले भी जन्मे थे आगे भी होंगे, ये ना सोच कि हम अभी अभी हैं। और फिर अपनी साधना के लिए कहता है कि यदि तूने मेरी साधना करनी है 7वें अध्याय के 5 और 7 तो युद्ध भी करना होगा, मेरी शरण में रहना है तो मेरी शरण भी कर और युद्ध भी कर खड़ा हो, क्योंकि मेरे पास रहेगा तो शांति नाम की चीज नहीं है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी दास विधि के लिए बताता है मेरा केवल एक मंत्र है मुद ब्रह्म का, और इसका अंतिम श्वास तक जो सिमरण करता है ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्वयं कहता है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में ही है, पुनरावृत्ति होती है पूर्ण मोक्ष में। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1-4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की यह पहचान है उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बता देगा, उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कभी कोई लौट कर वापस नहीं आते, साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं और मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए, इस तरह धारणा रखे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला, कभी नाश नहीं होता, सतलोक को चला जाएगा। और उस परमेश्वर की साधना के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविद समर्पय, सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है वो कौन है वो तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो तत्ब्रह्म यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपनी साधना के लिए विषय बताता है कि मेरा ओम नाम है, उसका जाप भी कर युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास चला जाएगा,
उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएगा उस परमेश्वर के परमात्म तत्व की जानकारी, उससे प्राप्त कर उसकी साधना उसको पता होगी, मुझे नहीं। आज सुबह का सत्संग भी इसी विषय में था, क्योंकि पुनात्मा आप विद्यार्थी हैं, ये दास एक आध्यात्मिक शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, और आप जी को ये पीक टाइम दिया परमात्मा ने, ऐसा जन्म दिया मनुष्य का, शिक्षित आप, सदग्रंथ अपने पास, ये शिक्षा इसीलिए दी परमेश्वर ने कि आप जी मुझे पहचान लें, आप परमात्मा कबीर जी के बच्चे हो, और वही आपके लिए भटक रहा है यहां, आपके लिए पता नहीं कितनी यातनाएं सहन करते हैं, पिछले इतिहास आपको कभी सुनाएंगे, समय समय पर सुनाते रहेंगे, वो कितना हमारे लिए भटक रहा है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम यहां काल के इस माया के नशे में परमात्मा को भूल चुके हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुव भांग पड़ी। तो वो परमेश्वर आपको अपनी पहचान बताने के लिए स्वयं आते हैं। तो यहां 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैंने जो कहना था कह दिया तेरे तीन, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता जी का दे दिया, अब तेरी समझ माओ ऐसे कर, मनमान ऐसे कर, मेरी शरण में रहना है तो उठ। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे में भाव वाला बन, मेरे में मन वाला बन। 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। परमात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब ये कहता है कि 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, क्योंकि अंतिम अध्याय आ गया, लास्ट श्लोक चल रहे हैं। कहता है तेरी मर्जी, मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में रहना, सेलेक्ट कर ले एक ने। और कहता है एक और गुप्त से गुप्त वेद बता दू, मेरा भी वही पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट देव है। कौन? जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा। अब देखो पुनः इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में तो कह रहा है कि गुप्त ज्ञान दे दिया, गीता जी का सारा ज्ञान सुना दिया, गुप्त से गुप्त रहस्य भी बता दिए कि मैं काल हूं, वो परमात्मा कोई और है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, उसकी साधना संत से प्राप्त कर, तत्वदर्शी संत से। और फिर कहता है 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में एक गुप्त और बता दो, इष्टमि असि दृढ़म इति तत्वक्षामि ते हितम, तुझे फिर और बताता हूं एक गुप्त से गुप्त भेद, कति गुप्त है, मेरा भी पूज्य देव इष्ट वही है। और परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो ब्रह्म काल भी धरता ध्यान हमारा। श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परितज माम एकम स्वनमर्ज, मेरे सत्र की जो पूजा है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत तीन मंत्र का जाप, सचिदानंद घर धर्म के पाणी का कहा कि ओम तद्रम का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण। तो ये ओम मंत्र का जाप कहता है कि मुझे छोड़ दे इसकी कमाई, जो मेरे सत्र की जो धार्मिक पूजाएं हैं, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर उस एक की शरण में जा, एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं कोई, सर्वशक्तिमान अद्वितीय परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, मेरे सत्र की पूजा मुझे छोड़ दे। हम क्या करते रहे, पहले ऋषि मैं ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, उसकी पुण्य कमाई को ब्रह्म लोक में उस बड़े रेस्टोरेंट में नाश कर रहते होटल में, पुण्य तो वहां समाप्त कर देते, पाप नरक में भोगने पड़ते, गधे कुत्ते बनते। तो अब ये कहता है कि मेरे सत्र की जो पूजा मुझे दे दे, ओम नाम का जाप मेरा छोड़ दे, और पाप परमात्मा के सतनाम से नाश हो जाते हैं। तो फिर कहता उसकी शरण में जा, एकम शरणम व्रज, इन अनाड़ियों ने उल्टा अनुवाद कर दिया कि मेरी शरण में आ जा।
अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में, कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं और मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मुझे ठीक शिक्षा दे दो, मन करना के चाहिए। और ये नौकर श्री कृष्ण नौकर मेरी शरण में आ जा, श्री कृष्ण तो बोल ही नहीं रहा गीता जी को, और कहते हैं श्री कृष्ण जी कहता सब पाप नाश कर दूंगा, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहा, श्री कृष्ण जी इसमें कोई शब्द भी नहीं बोला, और वो अपने पाप नाश नहीं कर सका तो औरों का कैसे कर देगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन अज्ञानियों की, जिन्होंने इन गीता जी के अनुवादों में बट्ठा बैठा रखा है। अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। अनुत्तम को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, अति उत्तम कर दिया, एक तरह के वही चौथी कक्षा का बच्चे ने पूछ ले, पांचवी कक्षा का बता देगा, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड। तो बैड का अर्थ, और कोई गुड लिख है तो किसा विद्वान होगा, ये किसी भी शास्त्र में नहीं हो सकता। ये दूसरी बात है कि ये प्रसंग से अपरिचित होने से अनर्थ कर डालेगा। अगर ये कहें कि अनुत्तम का अर्थ यहाँ सात में जय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सभी ज्ञानी आत्मा है तो नेक उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही लीन है, भाव तो ये है। इन्होंने कह दिया कि जिससे उत्तम कोई और ना हो वो मेरी गति में, इसकी गति कौन सी है, 8वें जय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम के जाप से मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी ओम की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं कि वो भी जन्म मृत्यु में आते हैं। विश्वम भी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो यहां ये कैसे कह सकता है कि मेरे वाली गति से कोई उत्तम नहीं। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए यहां इन्होंने लिख दिया कि जिससे उत्तम कोई गति ना हो, बता ये खुद कह रहा है कि मेरे से उत्तम तो कोई और है, तो वो भी अर्थ नहीं बन सकता यहां पर कि भगवान ने कहा मेरे बुढ़िया कोई और साधना नहीं किसी की, स्पष्ट कराया तो और परमात्मा उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। अब आपको दिखाते हैं इनकी कलाबाजी, नकली अनुवादकर्ताओं की। अब ये देखिएगा, सर्वप्रथम गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दिखाते हैं आपको। पुणात्माओं आप बालक नहीं हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो, कंप्यूटर तक बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, अरे परमात्मा के ज्ञान को समझे बिना सारे व्यर्थ हैं। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं होंगे हमें पता नहीं लगेगा कि उद्देश्य क्या है हमारा यह फंसे रहने का, जन्मने और मरने का। तो अब सु अवसर है, ज्ञान को समझ कर सदा के लिए सुखी हो जाओगे। सतलोक में आपका जीवन होगा, ऐसे ही जन्म होगा, ऐसी सृष्टि है, काल ने या नकल बना रखी उसकी, लेकिन वहां वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है, वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ये ऐसा शरीर गंदा शरीर नहीं है, सुंदर शरीर, तेज पुंज का शरीर, बहुत ही 16 सूर्य जितना हमारा नूर है, सुंदरता है। तो मरना तो है ही, ये तो अंडरस्टूड है। तो मरते हैं तब तक तो परमात्मा को याद करते हुए हम जाएंगे, और यहाँ की क्रियाएं भी जो हम कर रहे हैं परमात्मा के शरण में आने से ही हमें यहाँ संसारिक भी लाभ होगा, हमारा परिवार भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, भगवान की भक्ति करके पार हो जाएंगे। तो मृत्यु तो होनी ही है, पुनर्जन्म की आशा मन में नहीं रहनी चाहिए, ये इस ज्ञान से वैसे भी हट जाएगी और फिर भक्ति का इतना प्रभाव होगा, आपको इतना उमंग बनेगी उस स्थान को पाने की, कुछ दिनों में आपका पूरा विश्वास हो जाएगा सचमुच वहां स्थान कोई और है,
क्योंकि सब ग्रंथ बतावे, सब संत बतावे जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा खुद बताने आया, तो फिर हम निरसंतय होकर के वहां की धुन लगा लेंगे कि वहां की एक लगन लगा लेंगे, वह लगन लेकर चलेगी साथ में भक्ति हमारे साथ है। उसके लिए आपको एक निर्णायक मोड पर लाना चाहता है ये दास कि आप जी ये समझ सकें कि ये क्या झंझट है, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, हमें क्या सुनने को मिला आज तक, वो गलत सुना रखा था। आपको दिखाते हैं संस्कृत शब्द कोश जिसे आपको विश्वास होगा कि सचमुच ये है संस्कृत, संस्कृत हिंदी शब्द कोश, ये देखिएगा संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से छपी है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 993 पृष्ठ पर है। वर्ज, वर्ज माने जानना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, निर्वासित होना, छोड़ देना यानी चला देना, वहां से निकल जाना, घूमना फिरना यात्रा करना, निर्वासन देश निकाला यानी वर्जन माने चला जाना, वर्ज माने जाना। अब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रारंभ करते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद् गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अभी आपको दिखा रहा है दास, ये साइन भी कर रखे अपने 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आपको दिखाते, 18वां अध्याय श्लोक नंबर 62 है। 62 में स्पष्ट किया कि हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, स्पष्ट किया उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहतात गुहतरम मया, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान युगीता का ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर, मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ वो युद्ध के लिए तैयार, उसके शरण में जाना तो शांति हो जाएगी। अब 64वें क्या कहा है, सर्व गुहतम सबसे गुप्त मेरे और सुन विचार है, क्या बताता है, भूय में परमम वचय है इष्ट अति में दृढ़म इति तत्वक्षामी ते हितम, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन, तू मेरा अतिशय इष्ट माने प्रिय कर दिया, इससे परम हितकारक वचन तेरे लिए कहूं के कहो अगवता, ये तो स्वागत करो, दूसरी बात आ गई। यहां देखो 63 में कह दे ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, अब इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय है, ये तो गीता का ज्ञान बता दिया, और 64 में कहा कि एक और बताऊं तेरे कति गुप्त से गुप्त सबसे गुप्त इष्ट असीमित दृढ़म इति, इति माने कौन सा, यह कौन सा, ये 3rd अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कह रहा कि यो यह मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट देव है, इष्ट अति में दृढ़म यानी कति पक्कम पक्की बात है, और ये तेरे हित में कहूंगा, इन्होंने गलत अनुवाद किया। अब 65 में क्या कहा, 18वें अध्याय के 65 में कि मुझ में मनवाला हो, अगर मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहां ठीक है, इन्होंने यहां इष्ट कारक प्रिय करके गलत कर दिया, यहां इष्ट माने इष्ट देव है, इष्ट है इष्ट देव है। अब 66वां आ गया क्योंकि यहां लास्ट अध्याय और लास्ट श्लोक लगभग चल रहे हैं, निर्णायक मोड पर ला रहा काल भी कह रहा है कि मेरी शरण में फैसला कर ले, उतने विचार कर ले कौन के करना है, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता का मैंने बता दिया, और ये और बता दो मेरा भी पूज्य देव वही है।
और ये कहता जतन मेरी शरण में रहना है तो मेरे मन वाला हो, और किसी की नहीं पूजा करेगा, नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी नहीं करनी है। और फिर 66 में कहता है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, उसकी शरण में जाना है तो ये तरीका है। अहम तो सर्व पापी भयमोक्षामी मा शोचे, संपूर्ण धर्मों का को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वरद माने आ जा। कितनी बकवाद कर रखी ने। अब श्री कृष्ण की शरण में तो जो था ही अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है कि मैं आपकी शरण हूं, आप हमारे गुरु हो। अब देखो दूसरे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। शरण से पहले था इनकी शरण से, यहां कहते हैं कृष्ण जी करो मेरी शरण में आ जा। नहीं, वो तो कहता है जब उसकी शरण में जाना है तो उसकी भक्ति कर। ये देखो 18वें अध्याय का अब हम आगे 66वें श्लोक में सर्व धर्मा सभी संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक। ये इसका यहां देखिए सर्व धर्मांतरि परित्याज मम एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सतपुरुष की परम अक्षर धर्म की शरण में व्रज माने जा, और मेरे सत्र की पूजाएं मुझ में त्याग दे, तब मैं तुझे छोड़ूंगा ना, अड़े कुत्ते बजे बनाता रहूंगा। और ये क्या अनुवाद करते हैं, मेरी शरण में आ जा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये तो दिखाया आपको गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है। सभी ने एक कुएं का पानी पी रखा है, एक भांग डाल रखी है काल में ज्ञान की, और सभी ने उस तरह ही एक्टिंग उसी तरह की क्रियाएं कर रखी है, सबने एक जैसा ज्ञान अनुवाद कर रखे है। अब देखो एक और कमाल कर रखे है एस्कॉन वालों ने, तो कत्ती स्पष्ट झूठ बोल रखी दीखती श्रीमद भगवद गीता यथारूप। ये है श्रीमद एसी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजल्स लंदन शताकॉम सिडनी और हांगकांग मुंबई में इसका ये पुस्तकों का सटाल सटूल होगा इनका। यहां देखिएगा इनने कमाल कर रखा कति तोड़ पाट रखे इन्होंने नकलिया ने। देख यहां देखिएगा अध्याय 18 का श्लोक 66 यहां पर शुरू होता है सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद यहां किया है इन्होंने। इन्होंने तो कमाल लग रखा है, देखिएगा अर्थ तो सही लिख रहे हैं कि कदे को हमने मूर्ख ना बता दे। सर्व धर्मान का अर्थ लिखा है समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। यहां ठीक लिखा अर्थ तो सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है, और यहां फिर नाश कर दिया उल्टा है, यहां घुमाना। यहां अनुवाद ये है इनका समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे भांग पी रहे थे ये भी, व्रज माने जाओ जाना होता है, यहां आओ कैसे बना दिया मेरी शरण से जाओ, यत्न लगता मेरी शरण से जाओ तो भी मान जाते, फिर जाना फिर ये नहीं पता ये जाने के लिए किसको कह रहे हैं। अब इनकी बुद्धि घूम रही थी, श्री कृष्ण जी ने सर्वेश्वर मान रहे थे और श्री कृष्ण जी ने ही गीता बोली, इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण जी को केंद्र बिंदु बनाकर
सारे अनर्थ कर डाले। श्री कृष्ण जी तो आप पता नहीं उन्होंने गीता बोला क्या था, प्रत्यक्ष हो रही आपके समक्ष। अब ये और दिखाऊं इन आचार्यों की कलाबाजी, देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज, श्रीमद्भगवद गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, ये कहां से इतने अनुवादित है। ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। मुद्रक इंटर इंडिया पब्लिकेशन, B17 राजा गार्डन, नई दिल्ली। यस यस, देखिए ये भी उससे कुएं का बांधती रहे, ये सबसे ऊपर है। अध्याय 18 अरे 66वां श्लोक है। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अरे वाह आचार्यो, जय हो थारी। अब लगे अथन की सब की पालिश उतार देते हैं, आने वाले समय हम ये दुखी ना करेंगे किसी ने। ये देखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके विषय में बहुत कुछ लिखा है कि बड़े विद्वान पुरुष थे। भगवद गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक का सरलार्थ, सरल भावार्थ, महान विचारक तथा आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्राचीन विवेक का नया रूप हमारी आज की आवश्यकताओं को के अनुरूप प्रकट होता है। श्रीमद् भगवद गीता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिंद पॉकेट बुक्स, हिंद पॉकेट बुक, ये यहां से छपी है। मुद्रक है डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से। अब यहां दिखाते हैं 18वां अध्याय 66वां श्लोक। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। अनुवाद है, सब कृत्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये सर्वपल्ली महाराज जी के विचार देखो। अब देखो, अब आपको दिखाते हैं श्री आसाराम जी की के आश्रम से छपी, उनको मान्य है ये पुस्तक, गीता जी का अनुवाद, श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। आसाराम जी क्या कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकले हुए गीता शास्त्र को गाने और पालन करने योग्य महाफलदायक कर्तव्य होते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। महर्षि व्यास जी और इनको मान्य है, जब ये लिख रहे हैं तो ये सारा कुछ के श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से उच्चारित हुई। ये देखिएगा 18वां अध्याय 66वां श्लोक, 18वां अध्याय 66वां श्लोक। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कृत्यो कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। एक और आपको दिखाते हैं हंसा देश पंथ से, जिसमें ये श्री सतपाल जी और श्री प्रेम रावत जो अमेरिका में अपना चिमटा गड्ढे में बैठे हैं, उनको भी ये मान्य है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये कहां से छपी है, अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सच्चानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि संपादक हंसा देश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इतना। और यहां देखिएगा ये सतपाल जी महाराज पंजाबी विभाग, नई दिल्ली में इनका स्थान है। अब हम लेते हैं अपने मतलब की बात, इन्होंने तो इकट्ठा काम कर रखा है, 8 और 10 अध्याय और 58 से 60 तक तो यहां कर दिया।
और 61 से 63 तक ये ऊपर कर दिया, अब 64 से 66 तक यहाँ कर दिया, 66 मायु है। सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, यहाँ तक तो इसने 64 का कर दिया, यहाँ 65 और 66 का अनुवाद किया है 118 पृष्ठ पे। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं एक और बड़े महापुरुष माने जाते हैं, राम सुखदास जी, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक भी माने जाते हैं शायद। इन्होंने इतनी मोटी पुस्तक लिख रखी है साधक संजीवनी, वो भगवान, इसमें छोटे छोटे अक्षर, और 18वें जाके 66वें श्लोक पर इन्होंने पूरा का टजोड़ रखे, लगभग 17 पृष्ठ पर रखे उस अज्ञान को सेट करने के लिए, फिर भी नहीं कर पाए। ये देखिएगा, यह साधक संजीवनी है श्री राम सुखदास जी द्वारा, इसका अनुवाद है, ये देखेंगे यहाँ पर। सचित्र साधक संजीवनी विशिष्ट हिंदी सहित, सचित्र साधक संजीवनी, राम सुखदास इसके अनुवादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर इसके मुद्रक है, प्रकाशक है। आप देखिएगा उत्तरा कद बोलिए, ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, यहाँ है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, क्या कहते हैं स्वामी जी, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, ठीक है। और देखो इन्होंने 1200 से लेकर और यहां कर दिए 1700 तक, 1200 लेकर 1217 तक, वो तरह और इसी छोटे छोटे अक्षर देखो, ये यहां तक है, यहां 1200 से प्रारंभ हुआ है, 1200 प्रश्न नंबर 1200, और ये कहां पहुंच गया ये देखिएगा, 1217 तक, यानी 17 पृष्ठ ठोक दिए इस अज्ञान को सेट करने के लिए कि वर्ज माने जाना आना कैसे लिखा है। अब जब कितने छोटे छोटे बारिश और कितने बड़े पृष्ठ हुए, इन्हें कैसे का भी नहीं पता था, और इसे मोटी मोटी पुस्तक बना डाली। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ना आकर के हमें ये ज्ञान दिया कि तुम कौन, राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम, क्या बताते थे परमात्मा, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, किन्नोरे नर प्राणी आये गरुड़ बड़ो के राम। तुम श्री राम श्री कृष्ण जी विष्णु जी शिव जी को परमात्मा मानते हो, श्री राम को तुम भगवान मानते हो। जब आपत्ति आई, लंका का युद्ध हो रहा था, श्री रामचंद्र सेना सहित नाग फांस में आगे थे, सभी सेना को श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण हनुमान अंगद तक को सभी को नागाओं इतने नाग प्रगट हो गए, सभी को बांध लिया, लपेटा ला दिया, हाथ सीधे खड़े हो गए उनके, तब से मस नहीं हो पा रहे थे और सबके जान ने बीत गई थी, मुसीबत आ गई थी। क्या कहते हैं कि फिर गरुड़ से जो श्री विष्णु जी के वाहन है गरुड़ पक्षी, उसको प्रार्थना की गई, उसको याद किया, गरुड़ ने आकर के श्री रामचंद्र जी के बंधन काटे, वो नाग काट दिए, मारे खाए, तब श्री रामचंद्र जी मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, किन्नोरे नर प्राणियां ये गरुड़ बड़ो के राम। एक तुम्हारा श्री राम शक्तिशाली है या गरुड़ ताकतवर होया, एक कौन से भगवान मानोगे तुम। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आप परमात्मा इसलिए मान रहे हो कि उन्होंने समुद्र पर पुल बनवा दिया,
अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ये खाली हो गए थे, इनमें कौन सा परमात्मा हुआ? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, समुद्र को पाट माने उसके ऊपर पुल बनाकर उसको छाप के, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरता रे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। यदि आप इसी उपमा से भगवान मानते हो तो अगस्त ऋषि ने तो सातों पी लिए, श्री रामचंद्र जी ने तो एक छोटा सा पुल बनाया इसके ऊपर, फिर कौन सा भगवान हुआ? फिर तुम अन्य उपमा करते हो कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गोवर्धन पर्वत को गिरिराज को उठा लिया था। परमात्मा कहते हैं हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाया, और तुम्हारी लोकवेद बताते हो तुम ही कि शेष नाग पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, तो फिर पृथ्वी तो उस शेष नाग के सर पर बताओ तुम। फिर भगवान यू भगवान कैसे हो गया? इस दृष्टिकोण से तो शेष नाग भगवान हो गया, या इसके पैरेलल हनुमान भगवान हुआ? फिर क्या बताते हैं परमात्मा? गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत? परमात्मा क्या कहा करते थे कि सत साधना कर ले प्राणी, और तू यहां दो दिन के लिए आया हुआ है, इन बकवास जाना छोड़ दे। जो अन्य साधना तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, ये दो दिन का तेरा तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला, ये तज माया मंडन, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, कि कौन है तेरा सच्चा भगवान? कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मन ये नाते रिश्ते जो है ये कुछ समय के हैं। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहां करेगा विश्राम, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, हर हट माल ये अरहट का कुआ लोई आगल बन जाए है सब कोई। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख चौरासी की सहत्रासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। लख चौरासी की सहत्रासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊ रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख चौरासी की सहत्रासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। लख चौरासी की सहत्रासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दू रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़े बात करे छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़े बात करे छल की। पाप पुण्य की या बांजली गठरिया कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की बांदी पोटरिया कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबरिया नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबरिया ना पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु ये करिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई ना साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके आज तेरी महिमा जला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सब है साधना जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबरिया ना पल की। अंत समय जब चले अकेला तेरी आंसू ने न ढलकी। अंत समय जब चले अकेला आंसू ने न ढलकी। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। वो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की।
अंत समय जब चले अकेला आंसू ने ढलकी, अंत समय जब चले अकेला आंसू ने ढलकी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अब परमात्मा कितना निर्णायक बताते हैं कि तू मेरी शरण गए और मेरी पहचान कर, फिर तेरी सारी रक्षा होगी। अन्य साधना जो तू कर रहा है तो गाढ़ा दलदल की, उन साधनाओं से दूना नरक में, दूना ग्राउट में आता जा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सर दर पाओ बहुर नहीं रे सा। बोलो सतगुरुदेव।